रेवाड़ी जिले के गांव ढालियावास में हुई महिला सरपंच के साथ बदसलूकी व मारपीट मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी न होने से गुस्साए सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपायुक्त पंकज से मिला और तुरंत कार्यवाही की मांग की। जिला सचिवालय में खड़े इन सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत में आने वाले भक्ति नगर का रहने वाला एक युवक जो कि निजी कंपनी में नौकरी करता है, वह सरपंच के घर फर्जी इनकम टैक्स सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कराने के लिए आया था, जिसे साइन करने से सरपंच ने मना कर दिया। इसके बाद वह दोबारा 2 लाख का इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज साइन कराने आया तो सरपंच ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जब वह हल्का पटवारी से साइन कराने गया तो पटवारी ने पकड़ लिया कि यह दस्तावेज तो फर्जी हैं और उसने सरपंच को सूचित किया। इस पर गत 19 फरवरी को उसने सरपंच के घर जाकर उससे बदसलूकी की और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। इसकी सूचना सरपंच की ओर से पुलिस को दे दी गई, लेकिन अभी तक इस मामले में ना तो कोई गिरफ्तारी हो सकी है और न ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, जिसे लेकर सरपंचों में भारी रोष है। उन्होंने DC को ज्ञापन देकर इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। रिवाड़ी से अजय त्री, आजाद टीवी न्यूज। कितने लोग थे वो? मैं, दो उसके बच्चे थे, एक उसी घर वाली थी, एक आदमी बाहर से था, बाहर से लड़का को लाया हुआ था। तो इसकी क्या रिपोर्ट दे दी गई है पुलिस के अंदर? हाँ, इसके लिए महिला पुलिस। हाँ, यहाँ पुलिस ने कोई आपका बयान लिया? यहाँ अभी तक यहाँ पर पुलिस, अभी तक कोई पुलिस नहीं है। पटवारी जी ने वापस भेजा, उसके बाद वो आया कि मेरी 25 रुपए की फाइल खराब कर दी और मेरे साथ बदसलूकी करने। मैं कभी 25 रुपए की फाइल खराब होगी कोई बात नहीं, मैं गलत साइन नहीं करूंगी। वापस दोबारा से कहने लगा कि भी तुम सरपंच किस लिए बनी है। मेरे साथ बहुत भद्दतर सा व्यवहार किया उसने, बहुत गंदी लैंग्वेज में बात की उसने। मैंने उसको विरोध किया तो उसने तुरंत मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। इतने में मेरे पति आ गए, मेरे पति की मार पिटाई की। हम महिला थाने गए, महिला थाने में हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना मोरटाउन थाने में हमारी कोई सुनवाई हुई है। अगर ये हमारी सुनवाई अभी भी नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। अभी ज्ञापन देने आए, क्या कहा उन्होंने? आश्वासन दिया जी, अभी सिर्फ आश्वासन दिया है उन्होंने। ये कहा कि हम आपकी बात पहुंचा देंगे।